नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आफ्ताब हिस्ट्री क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के लिए हमारा मैथ का चैप्टर चल रहा था रचनाएं। तो उस रचना चैप्टर में आपको सवाल नंबर 11 पॉइंट लोग का सवाल नंबर 6 बताएंगे। तो देखिए, आपके स्क्रीन पर सामने सवाल लिखा हुआ है कि माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर तथा कोण B बराबर 90 अंश है। B से AC पर BD लंब है। बिंदुओं B, C, D से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। ये सवाल आपकी स्क्रीन के सामने देखिए लिखा हुआ है। इस सवाल को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, कि हमें क्या क्या दिया गया है वो नोट कर लेते हैं। हमें दिया गया है ABC के समकोण त्रिभुज बनाना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है हमें। कौन सा? ABC, जिसमें हमें क्या क्या दिया गया है। दिया गया है AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AB दिया गया है हमें 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके बाद में हमें BC दिया गया है 8 सेंटीमीटर। BC कितना दिया गया है? 8 सेंटीमीटर दिया गया है। और इसके बाद हमें कोण B दिया गया है 90 डिग्री, कोण B दिया गया है हमें 90 डिग्री का, ठीक है। पूछ रहा है B से AC पर लंब BD, इतना पहले इतना समझ लीजिएगा। और कह रहा है बी से जो है AC पर लंब है हमारा, BD AC पर लंब है, ठीक है। इतनी बात है यहाँ पर। पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर एक भुजा BC खींच ली। क्या किया सबसे पहले हमने यहाँ पर एक भुजा BC, तो चलिए भुजा BC को खींचते हैं। तो देखिए भुजा BC कितनी, 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर की एक भुजा BC खींचेंगे, ठीक है। तो देखिए चित्र को यहाँ पर ले चलते हैं, यहाँ सही रहेगा। तो देखिए यहाँ पर ये 8 सेंटीमीटर की सबसे पहले रेखा खींच ली हमने, ये आप लोग देखिएगा, ये 8 सेंटीमीटर की रेखा खींची हमने। कौन सी रेखा खींची 8 सेंटीमीटर की? BC रेखा खींच ली, 8 सेंटीमीटर की रेखा है, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है कि कोण B 90 डिग्री का हो, तो कोण B पर 90 का कोण बना दीजिएगा, प्रकार से बना दीजिएगा, बन जाएगा। तो देखिए यहाँ से 90 का कोण बनाएंगे। अगर वीडियो आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो आप वीडियो की क्वालिटी को चेंज कीजिएगा, अच्छा दिखाई देगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 90 का कोण बनाएंगे, जब हम 90 का जब कोण बनाएंगे तो देखिए 90 का कोण बनाने के लिए सबसे पहले कोई दूरी लेकर चाप भर लेते हैं। ये 60 का बन गया हमारा यहाँ पर, ये 120 का बन गया है, 90 का बनाना है हमें ना। तो देखिए एक ऊपर चाप लगा देंगे हम, और एक यहाँ से हम इस तरफ चाप लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा, वो हमारा 90 डिग्री का बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये हमारा कोण यहाँ बन गया है 90 डिग्री का कोण, ये हमारा बन गया है दोस्तों। अब इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि BC बराबर 6 से 8 सेंटीमीटर, तो 20 से 8, AB कह रहा है 6 सेंटीमीटर, मतलब A बिंदु इसी पर होगा। तो हम क्या करेंगे कि 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक चाप लगा लेंगे। क्या करेंगे कि 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने क्या किया, 6 सेंटीमीटर दूरी है तो है इस दूरी पर, 6 सेंटीमीटर की दूरी है ये, इस दूरी पर हमने एक चाप लगा लिया। तो B से हमने एक चाप लगाया 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो ये चाप लगा लगा यहाँ पर, तो ये आया हमारा बिंदु A। तो हमारा A बिंदु B ये हो गया है हमारा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और हम क्या करेंगे, हम A और C को मिला देंगे, A C को अब हम मिला देंगे। आप लोग कहाँ पर किताब लेकर बैठेंगे ताकि आप लोग भी सीखते जाएँ साथ में, साथ में बनाइएगा। तो A C को हमने मिला दिया है। तो इस प्रकार से देखिएगा ABC जो है हमारा समकोण त्रिभुज बन गया है, जिसमें AB हमें दिया गया है 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर, तो BC 8 सेंटीमीटर, कोण B 90, तो कोण B 90 हो गया। अब कह रहा है कि AC भुजा पर BD लंब खींचिए, ये कह रहा है ना कि AC भुजा पर BD लंब खींचिए। तो क्यों, AC भुजा पर BD को लंब खींचने के लिए अब हम बिंदु B से AC भुजा पर एक चाप लगाते हैं, जो दो बार जगह पर काट जाए इसको। तो देखिए यहाँ से एक मैंने एक चाप लगा दिया है, इसका आधा करते हैं जब हम, तो इसका आधा कीजिएगा, आधे से ज़्यादा दूरी लेकर एक चाप और लगा दीजिएगा इसके ऊपर। तो एक ये चाप लग गया, और एक इस बिंदु से चाप लगा दीजिएगा, तो एक ये चाप लग गया, ठीक है। अब इस चाप को आप बी बिंदु से मिला दीजिएगा, बी बिंदु से मिला दीजिएगा, यहाँ से बी बिंदु यही तो है हमारा। जब इसको बी बिंदु से मिलाएंगे तो ये इस प्रकार से मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये हमारा बिंदु BD हो गया। ये बिंदु कौन सा हो गया? D। मतलब क्या है, ये लंब खींचने के लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले बी बिंदु से एक AC पर एक चाप लगाया, जो AC को दो बिंदु, मतलब मान लेते हैं थोड़ी देर ये M और N पर काट रहा है यहाँ पर, ठीक, M N पर काटता है, ठीक। इसके बाद क्या किया मैंने कि M
एम से, और इससे भी क्या गया आर से दूरी लेकर इसका भी एक चाप लगाया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया बी और डी को मिला दिया, बी इसको एक्स मान लेते हैं फिलहाल में, बी एक्स को मिलाया तो यहाँ पर इसका बिंदु कौन सा आ गया डी। मतलब क्या है यहाँ पर कि जो बी डी जो है वो लंब हो गया है हमारा किस पर, जो बी डी लंब है हमारा ए सी पर, बी डी ए सी पर लंब हो गया। इतनी बात यहाँ पर हो गई कंप्लीट, ठीक। इसके बाद आगे बात करते हैं, इसमें आगे लिखा हुआ है बिंदुओं बी सी डी से होकर जाने वाला वृत्त खींचा गया है, किससे किससे होकर जाए त्रिभुज बी, ये बिंदु बी और सी और डी है, तीन बिंदु दिए गए हैं। अगर हमें देखिए तीन बिंदु अगर दिए जाएँ, यहाँ देखिए समझिएगा, एक बिंदु बी दिया गया, एक सी एक डी, कहा गया इस पर एक वृत्त खींची यहाँ से होकर जाए। तो देखिए इसका हम अलग करेंगे पहले और इसका भी अलग, तो हमें केंद्र मिल जाएगा, केंद्र मिल जाने के बाद ये दूरी लेकर एक वृत्त खींच जाएंगे। सेम वही हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। क्या करना है देखिए, वही हम यहाँ पे करेंगे, अभी इसको हटा दीजिएगा, इसको हटा देते हैं हम। देखिए अब हम क्या करेंगे, बी डी सी दे रखा है तो हम दो भुजाओं का अलग करेंगे यहाँ पर। चलिए हम बी सी का पहले अलग कर रहे हैं यहाँ पर, तो बी सी का जब अलग करेंगे तो देखिए ये एक चाप ऊपर जाएगा, एक चाप यहाँ, इसको इधर चाप, इधर से चाप लगाइए, देखिए एक चाप लगाया है तो एक चाप इधर ये गया है हमारा, एक इधर इधर से लगा लीजिएगा तो एक चाप हमारा ये है और एक चाप हमारा ये है, ठीक है। हमारा कौन कौन से चाप आ गए हैं, बिंदु आ गए हैं, हमारा एक बिंदु ये आ गया है और एक बिंदु हमारा ये आ गया है। अब आप क्या कीजिएगा, पटरी से आप इन दोनों को मिला दीजिएगा, ये मिला दीजिएगा यहाँ पर, ये देखिए मिला दिए हैं चाप, ये बिंदु मिल गया है, ठीक है। अब इसका क्या करना है, चलिए एक इस भुजा का अलग कर लेते हैं, बी डी भुजा का। इसका भी अलग करने के लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या करना है, आधे से ज़्यादा दूरी लेनी है, एक चाप हमें इस साइड लगाना है इधर और एक चाप हमें नीचे की साइड लगाना है इस तरफ, एक बिंदु डी से एक चाप इधर लगाएंगे और एक हम इधर लगाएंगे। अब देखते हैं दोनों कहाँ पे मिलते हैं, मिला दीजिएगा। एक देखिए बिंदु हमारा आ गया ये वाला बिंदु और एक हमारा आ गया ये बिंदु, अलग किया हमने बी डी का आधे ज़्यादा दूरी लेकर, इसको मिलाइएगा। जब इसको मिला देते हैं हम तो देखिए ये कहाँ पर आएगा, ये इस प्रकार से ये यहाँ पर मिल जाता है, ये यहाँ पर मिलते हैं यहाँ इस भुजा पर, ठीक है। मान लेते हैं इसको ये ओ पर मिल गया हमें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ओ बी को दूरी लेकर, या ओ बी या आप ओ सी या ओ डी कोई एक दूरी लीजिएगा, ओ बी चाहे चाहे आप दूरी लीजिएगा, ओ बी चाहे आप ओ डी और चाहे आप ओ सी वृत्त खींच दीजिएगा, क्योंकि वृत्त सभी से होकर जाएगा यहाँ से, ओ बी ओ सी ओ डी से। इस प्रकार से देखिए ये वृत्त खींच गया दोस्तों मेरा ये, ठीक है। तो इस प्रकार से वृत्त जो है वो तीन बिंदुओं से होकर जाता है, बी से भी होकर जाता है, सी से भी, डी से भी होकर जाता है। अब आगे कह रहा है कि ए से इस वृत्त पर इस पर रेखा की रचना कीजिए, बिंदु ए से इस वृत्त पर इस पर रेखा खींचिए। आप जानते हैं देखिए बिंदु ए से ए इस पर रेखा खींची हुई है, इस पर ए भी, और ये ओ भी इसकी त्रिज्या हो गई, तो इस पर रेखा त्रिज्या हमेशा लंब होती है, तो ये इस पर रेखा हो गई है भी, एक और खींचनी है। तो आप और आप ये भी जानते हैं कि वृत्त पर खींची गई इस पर रेखा कैसी होती है, सदैव बराबर होती है, इस पर रेखा सदैव बराबर होती है। हम क्या करेंगे, ये दूरी को लेकर, ए बी दूरी को लेकर, ये दूरी ली मैंने यहाँ से और ये ए बी दूरी लेकर, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ए बी दूरी को ले जाने के बाद यहाँ से ये दूरी जो ली है भरकर, अब यहाँ से बिंदु ए से एक चाप इस साइड में लगा देंगे, इसका नाम चलिए हम कुछ भी पी क्यू आर वगैरह कुछ भी रख लीजिएगा आप लोग यहाँ पर। तो लगाने के बाद इसका नाम पी रख लिया है, और बिंदु पी से इस पर ये इस पर रेखा खींच दी हमने, ये इस पर रेखा खींच दी है हमने इस प्रकार से, यूँ ये इस पर रेखा हमें खींच गई है। एक कौन सी इस पर रेखा है हमारी, ए पी हमारी एक इस पर रेखा खींच गई है, ठीक है दोस्तों। अब कह रहा था सवाल में कि इस पर रेखा, इसका कह रहा था कि इस पर रेखा की रचना कीजिए बिंदु ए से, तो बिंदु ए से हमने इस पर रेखा एक, बिंदु ए से हमने इस पर रेखा कौन सी खींची दोस्तों, हमने इस पर रेखा ए पी खींच दी है, ठीक है, ये हमारी इस पर रेखा खींच गई है। अब देखिए सवाल को समझाते हैं फिर से हम आपको एक बार, आपको अगर सवाल समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से शुरू से देखिएगा, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत से ही एक एक स्टेप बताया था, ठीक है। तो देखिए फिर से समझते हैं एक बार, कह रहा है कि समकोण त्रिभुज ए बी सी बनाइए। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या किया था, सबसे पहले बी सी 8 सेंटीमीटर रेखा खींची थी, और फिर मैंने कोण बी पर 90 डिग्री कोण बनाया था बिंदु बी पर, और इस पर ए से 6 सेंटीमीटर दूरी चाप लगा दिया था, और ए बी सी एक हमने समकोण त्रिभुज बना लिया था। इसके बाद कह रहा था कि बी डी लंब खींचिए ए सी पर, फिर मैंने क्या किया बिंदु बी से थोड़ी दूरी लेकर एक ऐसा चाप लगाया था जो ए और सी दोनों को एम एन बिंदु पर काटता है, फिर मैंने एन से थोड़ी सी अधिक से दूरी, एम से एम एन की जो दूरी है उस थोड़ी सी दूरी लेकर एक चाप लगाया ऊपर, एक चाप इस तरफ से लगाया, और ये दोनों चाप एक दूसरे को कहाँ पे काटते, एक्स बिंदु पर काट गया। फिर मैंने क्या किया बी एक्स को मिला दिया, जो रेखा एक सी डी थी ए सी थी इस पर एक बिंदु डी आ गया, ये हमारा बी डी लंब हो गया हमारा ए सी पर। इतनी बात हो गई। इसके बाद क्या था, एक ऐसा वृत्त खींचिए जो बी सी डी से होकर जाए, तो मैंने क्या किया इसके लिए बी सी का आधे से आधा लेकर अदा किया ये, और फिर मैंने क्या किया कि बी डी इसका अलग किया, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, ये बिंदु ओ है इस पर काटते हैं। मैंने कहा चाहे आप ओ बी दूरी लीजिए, चाहे ओ डी चाहे ओ सी, कोई एक दूरी की त्रिज्या लीजिए, एक वृत्त खींच दिया जो बी सी
बी सी डी तीनों बिंदु से होकर जाता है। इसके बाद कह रहा था कि बिंदु ए से स्पर्श इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए, तो बिंदु ए हमारा ये था, इस पर स्पर्श रेखा ये बी है क्योंकि ये ओ बी लंब है ए बी पर, ये 90 डिग्री का कोण है, इसलिए मैंने क्या किया बिंदु ए से वही दूरी लेकर एक चाप इधर भी लगा दिया 6 सेंटीमीटर, ये भी दूरी हो गई, तो ये भी ए हमारी ए पी स्पर्श रेखा खींच गई दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को फटाफट से लाइक कीजिएगा, और हाँ अगर आपने हमारी सभी वीडियो नहीं देखी 11.1 11.2 की तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से सभी वीडियो देख सकते हैं, आपको सही वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।